हेलो एंड वेलकम टू नॉडी बाबा यूट्यूब चैनल। गुड डे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार की। ये इसका कैंडिड रिव्यू है जो किस्त नंबर 42 दिखाई गई है और 43 का जो टीज़र है उसके बारे में इस वीडियो में आपको बातचीत की जाएगी। आपसे थोड़ी देर बात हो सकती है? कहिए। लाइबा कैसी है? मैंने सुना है कि वो लोग काफी क्राइसिस में हैं। ठीक सुना है आपने, लेकिन आप ये सब जानने के ख्वाहिशमंद क्यों हैं मिस्टर वकास? आप तो इन मौके पर डूबती नाव से छलांग लगाकर बाहिफाजत किनारे जा लगे थे। हरीम भाभी के आंचल में जो आग आपने सुलगाई थी, उससे मेरा मुस्तकबिल जलकर राख हो गया। मम्मी बकवास बंद कर। दिल की बात कह देने से इंसान हल्का फुल्का हो जाता है, बेहतर महसूस करता है सर। हाँ रीम बीबी, ये तो आपकी पुरानी आदत है लोगों से दिल की बात कहना। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। खुमार सेवेंथ स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश है जिसको प्रोड्यूस किया है अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी ने, जिन्होंने पहले भी बहुत ड्रामे पेश किए हैं। ड्रामा खुमार के डायरेक्टर हैं अली फैजान, जबकि लिखा है महा मलिक ने। ड्रामा खुमार का टाइटल सॉन्ग बहुत ही भला लगता है और बड़ा अच्छी आवाज़ में गाया है, जिसके सिंगर और कंपोज़र है साहिर अली बग्गा। अब बात करेंगे कुछ किस्त नंबर 42 की, तो उसमें तो ये कहना बिल्कुल ही सही होगा कि बहरो सबजारी की एक्टिंग बहुत ही जानदार थी और उन्होंने इस कदर डूब के एक्टिंग की कि बहुत से सीन्स में तो एकदम पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। और ख़ासकर उनके कुछ डायलॉग, जैसे उन्होंने ये कहा कि अमाल की स्याही धोने के लिए आंसू के चंद कतरे काफ़ी नहीं, या फिर अपनी बेटी के साथ बात करते हुए कहा कि बचपन में तो मैं अब्बू जान और अब फिर डैडी मम्मी हो गए। इसमें भरोसा अजवानी ने बहुत ही जानदार एक्टिंग की है। टेक्नोलॉजी का भी अच्छा इस्तेमाल दिखाया है। हरीम अपने भाई से बात करती हैं, जिसमें वो भी ये कहते हैं एक अच्छा डायलॉग के गुरूर आना इंसान को खाक चाटने पर मजबूर किया। और जब फाइल्स जा रहे होते हैं बस में और बात करते हैं अपनी बहन से, ये बताते हैं कि अकाउंट हमारे सीज हैं, उससे में समझ नहीं आ रहा कि वो बस में कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बस कहाँ की है और कौन से क्या उसका रूट है, ये कुछ उसमें क्लियर नहीं हो रहा। जैसे हैप्पी लेग को मुसलसल उन्होंने अपने साथ रखा है, ऐसे ही किसी बस सर्विस को भी कोई लोगो वगैरह दिखा के कोई चीज़ करके कर लेते तो उसमें शायद कुछ उनको इश्तहार का भी कुछ मिल जाता, कुछ ना कुछ। खैर, हरीम और कहकशां के दरमियान जो डायलॉग्स हैं वो भी काफ़ी जानदार हैं, लेकिन सीन ज़रा कुछ लंबा हो गया, थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे ड्रैग कर रहे हैं उससे। और वैसे तो हिना बिनात ने बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिंग की है और इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि जब किसी की एक्टिंग की वजह से उसके करेक्टर से लोग जो है वो हेटेड शुरू कर दें और उसकी नापसंदगी उनकी बहुत बढ़ जाए, तो बस ये समझ लें कि वो अदाकार जो है वो अपनी अदाकारी में उरूज पे पहुंच रहा है। लेकिन जब वो नासिर के पास आती हैं और ज़िक्र करती हैं मनी ऑर्डर का, तो मेरे ख़्याल तो 85% से ज़्यादा जो नाज़रीन हैं उन्हें मनी ऑर्डर पता ही नहीं होगा। अब मनी ऑर्डर कहाँ होते हैं, मनी ऑर्डर किधर होते हैं, मनी ऑर्डर तो हमारे बचपन में होते थे। खैर, वो लिखने वाले ने लिख दिया, उन्होंने सुना दिया। लेकिन एक बात और बड़ी हैरतअंगेज़ हुई कि इस बेसर व सामानी के
दौर में भी बेगम कहकशां के पास सामान था और वो सामान का उन्होंने पूरी तरह से डिस्प्ले किया है, ये बात बड़ी काबिले दीद है। अब वैसे राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब उसको सम अप कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि जुल्लेहमा के जाने से मुदस्सिर की लाइन बज़ाहिर क्लियर दिखा दी गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये ड्रामा जो लिखा गया है वो लिखा ही फ़ायज़ और हरीम के लिए है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें सुधरना शुरू हो जाएंगी। नासिर अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रहा है और काफ़ी उन्होंने लेसन लर्न कर लिया है जो दूसरे करेक्टर रहे हैं, लेकिन अब क्या चेंज हो, क्या चीज़ हो, ये तो आने वाले किस्से पता चलेगा। वैसे हम इसके लिए बातचीत करने के लिए भी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या कोई सजेशन है तो वो दें, तो उसके लिए कोई टाइम रख सकते हैं शाम में कि लाइव स्ट्रीमिंग में इसके लिए मज़ीद बातचीत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।